कावेरी जल विवाद पर जारी तनाव के बीच आज कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि वह तमिलनाडु को पानी नहीं दे सकता। कर्नाटक सरकार ने कहा कि राज्य 42,000 क्यूसेक पानी अभी नहीं दे सकता, यह पानी वह दिसंबर महीने में दे सकता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 6,000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन 27 सितंबर तक तमिलनाडु को देने को कहा था। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह स्थिति में नहीं है कि तमिलनाडु को पानी दे सके। कर्नाटक सरकार का कहना है कि कावेरी बेसिन में अभी पानी नहीं बचा है, जो है वह बस पीने के लायक है। 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर तक तमिलनाडु को 6,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया था। कर्नाटक का कहना है कि उसके पास पीने के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है, ऐसे में तमिलनाडु की फसलों के लिए पानी देना उसके लिए संभव नहीं है। दोनों राज्यों के बीच दशकों से चले आ रहे कावेरी मुद्दे को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में राज्य भर में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। कावेरी जल बंटवारे पर विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक सरकार की अर्जी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।